स्वागत करता हूँ आपका आज़ाद बर्ड्स ऑफ वाली। तो चलिए दोस्तों, आज बहुत दिनों के बाद हम आज वीडियो बना रहे हैं और वीडियो का मेन टॉपिक है जो ये मेरा एक हॉलैंड क्रॉस का पेड़ था, इसकी प्रोग्रेस चेक करवाना था। तो पिछली वीडियो में जैसा मैंने आपको बताया कि मैंने इनके अंडे बताए थे, तो इस वीडियो में आपको इनके बच्चे की प्रोग्रेस बताऊंगा। इन्होंने दो बेबीज़ निकाले हैं, बाई चांस कुछ बेबीज़ एक्सपायर हो गए थे मौसम की वजह से, और अभी इनके दो बच्चे बड़े हो चुके हैं। तो आज मैं उनके अपडेट दूंगा और मैं कुछ नए बजीज भी लाया हूं। बाकी जो मेरे पास अदर बर्ड्स है, कॉकर टेल, फिंचेस, जावा, वो मैंने सारी हटा दी है और अब मैं सिर्फ 100 बजीज की म्यूटेशन पे काम करने वाला हूं, और क्योंकि मेरे को वही सबसे अच्छी लग रही है और मैं उसी पे अभी काम करने वाला हूं। तो कुछ पेयर मैं नए भी परचेस करके लेके आया हूं, वो भी दिखाऊंगा आपको, और वो भी आप दिखाना कि आपको वो पेयर कैसे लगे। और वीडियो को अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करिए। तो सबसे पहले चलिए आपको इनकी पूरी एक बार ओवरव्यू दे देता हूँ और अपडेट भी दे देता हूँ। देखिए, एक बॉक्स के ऊपर बच्चा बैठा है, वो बच्चा अभी निकला हुआ है, और एक ये येलो रेड आई का शो का मेल, ये मेरे पास अभी एक्स्ट्रा है, इसके लिए मैं फीमेल बहुत ही जल्द लाने वाला हूँ और उसकी मैं, चलो आपको प्रोग्रेस चेक करवाता हूँ। सबसे पहले प्रोग्रेस देखते हैं अपन, तो अपन सबसे पहले प्रोग्रेस देखेंगे। ये देखिए, एक बच्चा बार बार की ओर बैठा है, इसमें एक बच्चा नॉर्मल है क्योंकि इस नॉर्मल के मदर फादर मेरे पास एक्सपायर हो गए थे, तो उस चक्कर में मैंने इसके नीचे रख दिया था इस बच्चे को, और इन्होंने इसको बड़ा कर दिया। तो हॉलैंड के पेयर ने मेरे पास, क्योंकि मैंने सारे बर्ड्स हटा ही दिए लगभग। ये देखिए, इसका फेस लुक दिखाता हूँ आपको जस्ट लुक के लिए। ये एक बच्चा निकाला इन्होंने अभी, आप इसकी क्वालिटी देख सकते हैं, बहुत ही बेहतरीन क्वालिटी में है। और एक बच्चा और है, तो दोनों बताऊंगा। माशाल्लाह, साइज़ देखिए, इसका साइज़ बहुत ही अच्छा है। ये देखिए, अभी तो नॉर्मल बजरी के साइज़ के है लगभग, अभी और साइज़ अच्छा आया होगा इनका, क्योंकि इनको जितना लॉन्ग टाइम में अपन पेड़ नहीं लगाते उतना ये साइज़ गेन करते हैं। ये प्योर चीज़ों में निकले हैं। और एक भाई इसका ये बैठा, और ये इसका फादर आ रहा है, और एक ये नॉर्मल का बच्चा है जो इन्होंने बड़ा किया है। इसका भी साइज़ आप देख सकते हैं, मेरा हाथ के बरोबर है, ये अंदर बैठा इसलिए ऐसा दिख रहा है। मैं इसको बाहर निकाल के दिखाता हूँ आपको, बहुत ही अच्छे साइज़ में है ये दोनों बच्चे। देखिए बेबीज, ये बहुत डर रहे हैं, मैं आपको दिखाता हूँ इनकी फेस लुक, दिखाता हूँ इनका फेस लुक देखिएगा। अभी तो बच्चे हैं, जबकि ये महीने 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 भर के बच्चे हो चुके हैं। इनकी प्रोग्रेस की ये अपडेट है, देख सकते हैं। और नए पेयर दिखाऊंगा अब आपको मैं, कौन कौन से है मेरे पास, अभी मैं कौन कौन से नए पेयर परचेस करके लेके आया हूँ। तो चलिए, वीडियो के एंड तक बने रहिएगा, वीडियो को अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, कमेंट करिए। अभी आपको नए पेयर दिखाऊंगा। एक पेयर मैंने ये परचेस किया है जो अभी मैं 2-3 दिन पहले ही परचेस करके लेके आया हूँ। ये भी हॉलैंड का क्रॉस के ही है, किंग साइज़ बजी और हॉलैंड के क्रॉस के बेबीज़ है जो अभी मैच्योर हो चुके हैं और रेडी टू ब्रीड है। जैसे फीमेल देख सकते हैं, फीमेल हिट पर आ रखी है, जैसे नोज से पता चलता है अपने को, कोई भी बजीज में कोई भी फीमेल जब मेटिंग पर आती है तो उसकी नोज ऐसे ब्राउनिश हो जाती है। मेल की क्वालिटी देखिए आप, मेल बहुत ही शानदार और फुल एक्टिव मेल है, देखिए कितना एक्टिव मेल है ये। और देखिए, बताइएगा कि ये पेयर कैसा लगा आपको। इसकी भी बहुत जल्दी ब्रीडिंग की प्रोग्रेस मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, क्योंकि अभी मेरे पास केजेस नहीं है, केजेस बनवाने दे रखे हैं। तो जैसे ही मैं इनको सबको केजेस दे दूँगा और इनकी पर्सनल सेपरेट केज में रखूँगा, क्योंकि अभी मैंने 4 पेयर लिए हैं, तो सबकी वीडियो आपके साथ शेयर करूँगा, ठीक है। तो चलिए, वीडियो के एंड तक बने रहिएगा, अभी और पेयर है वो भी मैं आपको विजिट करवाता हूँ। एक ये पेयर देख के बताइएगा कि आपको कैसा लगा, और इसकी जल्द ही ब्रीडिंग होते ही मैं आपको बताऊँगा कि क्या इसका रिजल्ट है और कैसा रिजल्ट है और कितना क्या देता है। चलिए देखेंगे अब आगे, वो तो आगे की बातें हैं। अब चलिए, पेयर छोड़ रखे जिसमें मेल दोनों ग्रीन है और फीमेल एक रेड आई की है, क्रीमिनो शो की है, और मेल दोनों शो क्वालिटी के किंग साइज़ के मेल है, और फीमेल वापस इनके पीछे ये जो ब्लू वाली फीमेल है ये हॉलैंड क्रॉस की है, ठीक है। तो इनकी क्वालिटी देख के बताइएगा आपको कैसा लगा। चलो एक बार अंदर से व्यू करवा देता हूँ। अभी तो ये पुराना मेरे पास कोई केज पड़ा था, इसलिए मैंने अभी इनको ऐसे ही सेट करके रखा है, जब भी केज बन के आएंगे तो उनमें इनको शिफ्ट करूँगा, क्योंकि अभी मैं ज़्यादा बर्ड्स तो रखने वाला नहीं हूँ। अच्छे ये 3 पेयर ही रखूँ, 3-4-5 पेयर रखूँगा। इनकी क्वालिटी देख के बताइएगा आपको कैसे लग रहा है। और जो वो ब्लू वाली फीमेल है इसमें, एक ये फीमेल है, ये हॉलैंड क्रॉस की फीमेल है, जो ऊपर जो आपने पहले पेड़ देखा है वीडियो में, उसी की ये 7 वाली है। तो मैंने इस ग्रीन के साथ इसको कनेक्ट किया है, और एक ये क्रेमिनो की फीमेल बैठी है रेडे में, और ये दोनों ग्रीन के मेल है। तो इनका ही बहुत जल्दी रिजल्ट आने वाला है, क्योंकि अभी ये ब्रीडिंग ऑन है। तो अभी मैं इनके पेयर बनवा रहा हूँ, अभी पेयर बने नहीं हैं, जैसे ही पेयर बन जाएगी, ब्रीडिंग ऑन होगी, तो आपके साथ वीडियो शेयर करूँगा।
तो वीडियो को अच्छा लगा तो एक लाइक शेयर कमेंट करते ज़रूर जाइएगा, और ये मेरे सारे बड़े बजीज आपको कैसे लगे तो प्लीज़ एक बार कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और मैं अपडेट इनकी आपको आपके साथ देता रहूँगा कि इन्होंने अंडे बच्चे कैसे हैं। आप ब्लू वाली फीमेल की क्वालिटी देख सकते हैं और उनकी गले के नीचे की ब्लैक डॉट की मार्किंग भी देख सकते हैं, तो उनसे आपको पता चल जाएगा कि शो चीज़ क्या होती है और हॉलैंड चीज़ क्या होती है और हॉलैंड क्रॉस क्या होता है। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक शेयर कमेंट करते ज़रूर जाइएगा, और ये सभी पेड़ आपको कैसे लगे तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइए।